क्वालिटी पहले पूछते हैं। जितने भी विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेंगे उतने प्रतिशत बिरयानी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। और तो कल और वैसे हमारी जो शॉप है वो 1952 सुबह 5 बजे आके कौन खाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नया दिन, नई शुरुआत, बहुत अच्छा मौसम। पोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है दिल्ली में, तो आज हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से नहीं। आज हमारे फ्रेंड के बेटे की शादी है देहरादून में, हम वहीं जा रहे हैं देहरादून। और रिजॉर्ट का नाम है पुनर्नवा रिजॉर्ट, जो कि लगभग यहाँ से 5 घंटे दूर दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो निकल चुके हैं हम, हाईवे पे पहुँच चुके हैं, मेरठ हाईवे पे पहुँच चुके हैं। और फिर कहीं ना कहीं रास्ते में रुकेंगे, कुछ खाएँगे, कहीं का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, बातें करते रहेंगे रास्ते में, कुछ रास्ता वास्ता दिखाएंगे, क्योंकि नया फॉर अ चेंज थोड़ा सा नया हो गया। आज हम दिल्ली नहीं है, दिल्ली के बाहर हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो। ये दिल्ली का नहीं, दिल्ली के बाहर का। मैं ऑलरेडी मेरठ हाईवे पे हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये देखिए एक्सप्रेस हाईवे जो है, मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, कितना खुला डुला और बिना रश के हम लोग नोएडा से यहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे। पहले जब ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं था तो कितनी मुश्किल होती थी मेरठ वगैरह क्रॉस करने, इतना ट्रैफिक और इतना ज़्यादा रश, 1-1.5 घंटा लग जाता था। अब तो ऐसे मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है और हवाई जहाज़ की तरह हम उड़ करके पहुँच रहे हैं, मेरठ क्रॉस कर जाएंगे। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ लंच में हम लोग सोच रहे हैं कि ये मुजफ्फरनगर में मैंने सुना है कोई हाजी मकबूल की ताहरी मिलती है, बड़ी अच्छी ताहरी मतलब बिरयानी। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि पहले देखेंगे, अच्छा हुआ तो मैं उसका रिव्यू दूंगी ज़रूर आपको। लंच वहीं करेंगे, मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं क्या स्पेशल चीज़ है हाजी मकबूल की ताहरी में। ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी दिल्ली तक जिसकी मशहूरी है। मैंने भी मशहूरी सुनकर ही प्लान करा है कि लंच वहीं करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और तब तक हम थोड़ा सा सड़क का मज़ा लेते हैं। इतना सुंदर हाईवे बना हुआ है। दोस्तों बड़े दिनों के बाद, बड़े टाइम के बाद दिल्ली से बाहर निकले हैं। एक तो दिल्ली में इतनी पोल्यूशन हुई है, AQI लेवल उसका आया हुआ है, कितना 500 के आसपास चल रहा है, एकदम गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली। तो इसी बहाने देहरादून जाएंगे, थोड़ी फ्रेश एयर में 2 दिन घूमेंगे, कुछ तो फ्रेश लगेगा। वापस आएंगे तब तक देखते हैं, कोई बात नहीं, रहना तो दिल्ली में ही, दिल्ली को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। दिल्ली को हम बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के बिना रह नहीं सकते, चाहे वो गैस चैम्बर बनी हुई है। और आएंगे तो वापस इसी गैस चैम्बर में, और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से कम पोल्यूशन दें इस एटमॉस्फेयर में। चलिए, और इतना अच्छा मौसम, मतलब मौसम तो खैर क्या अच्छा होना है, इसी गाड़ी में बैठी हूँ, बाहर अभी भी पोल्यूशन है, लेकिन मन बहुत खुश है कि बड़े टाइम बाद बाहर निकले हैं। और कुछ अच्छे से गाने वानों के ऊपर दिल कर रहा है, अच्छे से गाने गाएं, लेकिन अब YouTube पे गाने डालते हैं तो YouTube की ये बड़ी मनमानी है कि वो उसके ऊपर कॉपीराइट ले आती है, तो हम डाल नहीं पाते। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। देख दोस्तों इतना टाइम नहीं मिला कि मैं शादी पे जा रही हूँ नील पेंट लगा लूँ, वो भी मैं गाड़ी में लगा रही हूँ। पहले पेट्रोल भरवाया था तो फटाफट एक कोट लगा लिया था, सूख गया, अब दूसरा कोट दोबारा लगाने लगी हूँ। चलती गाड़ी में नील पेंट लगाना एक आर्ट है, कला, बिना फैलाए और बिना अपने फिंगर्स को ख़राब करे। भैया आप भी आराम आराम से चला लो, झटके मत दो। क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर नहीं लाई मैं कि अब ख़राब हो गई तो उसे उतार के दोबारा ठीक करूँ। इसी के ऊपर एक सेकेंड कोट लगाना है मुझे। आता बहुत कुछ है मुझे करना, नेल पेंट चलती गाड़ी में भी लगा सकती हूँ मैं। हो गया मेरा काम, थोड़ा स्लो चला ले भाई, खराब हो जाएगा मेरा नेल पेंट। तो दोस्तों देहरादून के रास्ते में मैं अब यहाँ मुजफ्फरनगर पहुँच गई हूँ हाजी मकबूल की बिरयानी खाने और यहाँ इनसे बात करते हैं। कहते हैं यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा शोर शराबा ड्रामा हुआ था कि हमारा इंडिया ये जो विराट कोहली का कल एक तो बर्थडे था और उन्होंने एक स्कीम निकाली थी। पहले पूछते हैं भाईजान, सबसे पहले नाम बताइए अपना। नाम दानिश दुदवान है हमारा। अच्छा जी, तो कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल हल्ला गुल्ला हुआ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया मैच जीती है इंडिया। अच्छा, तो हल्ला हुआ। अच्छा जी, तो इंडिया मैच जीती है तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई और इन्होंने एक स्कीम भी निकाली थी। वो क्या स्कीम थी? ये वो कुछ स्कीम ऐसी थी कि जितने भी विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेंगे उतने ही प्रतिशत बिरयानी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। और तो कल तो उन्होंने सेंचुरी मारी है तो फ्री बिरयानी बांटी गई। बिरयानी बांटी और यहाँ पर तो कहते हैं हाथापाई हो गई बिरयानी के चक्कर में। बिरयानी पाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को घर में बेचना शुरू कर दिया कि फ्री बिरयानी मिल रही है यहाँ पर, आओ आओ। तो कितने घंटे आपने फ्री बांटी बिरयानी? 3-4 घंटे तक चला ये शोर शराबा। अच्छा, 3-4 घंटे तक ये शोर शराबा। और कह रहे कोई मीडिया वाले भी आए हुए थे? जी, मीडिया के काफी चैनल थे। कौन सी मीडिया थी यहाँ पे? NDTV था और लोकल न्यूज थे। लोकल न्यूज वाले और NDTV वाले भी पहुँच गए थे कवर करने। लोकल न्यूज वाले थे, लाइव उत्तराखंड वाले थे, NDTV वाले थे, टीवी न्यूज था और हम आज पहुँचे। देखो हम भी कल पहुँचते तो ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। बिरयानी इनकी जरूर खाएंगे, हम भी देखेंगे ऐसी कौन सी बिरयानी है जिसके पीछे धक्का मुक्की लग गई। भाईजान ये बताइए ये कितना पुराना है आपका ये जो रेस्टोरेंट है? हमारा ये जो हमने रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश किया है इस वाले को 7 साल हो गए हैं तकरीबन। और वैसे हमारी जो शॉप है वो 1952 से सर्विस दे रही है लोगों को। अच्छा, सर्व कर रहे हैं 1952। 1952 में कहाँ थी? 1952 में यही पे हमारी तीन हो गए। अब ये 3 दुकानें हैं, ये 3 सर्विस सेंटर हो गए। दुकान एक ही है, सर्विस सेंटर 3 जगह सर्व कर रहे हैं। 1952 से कर रहे हैं। तो ये जो नई वाली है इसको 7 साल हो गए। अच्छा जी, तो बिरयानी चिकन बिरयानी आप सर्व करते हैं? जी, चिकन बिरयानी सर्व करते हैं। और मुझे ये बताइए टाइमिंग्स क्या क्या है? हमारी टाइमिंग्स सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक है। सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे आके कौन खाता है? सुबह 5 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कमाल ही हो गई दोस्तों, मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। सुबह 5 बजे लोग यहाँ बिरयानी खाने आ जाते हैं। तो ये बिरयानी तो हम भी जरूर खाएंगे, हमें भी टेस्ट करवाइए। सुबह 5 बजे से तक रात को 1-2 तो बजे सोते कब है आप लोग? 2 यहाँ पे जा देते हैं, 5 बजे फिर शुरू हो जाते हैं। तो सोते कब है? माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टाफ है हमारा। बहुत ही बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। चिकन बिरयानी का प्राइस भी बताइए भैया, क्या रेट है? हमारा चिकन बिरयानी का 60 रुपए की 250 ग्राम का प्राइस है। 60 रुपए की 250 ग्राम, तो एक बंदा 250 ग्राम ही खाता है अमूमन, मतलब इतना समझ लो। 60 रुपए की 250 ग्राम है। हम भी पहले 250 ग्राम बिरयानी मंगा के देखते हैं, कम लगी तो एक 250 ग्राम और मंगवा लेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए यही स्कीम कल इन्होंने निकाली थी। हाँ, मैच वाले दिन आएंगे ताकि फिर हम ये वाली स्कीम का लाभ मिल पाएगा। अरे वाह, ये देखिए तंदूर लगा हुआ है, साथ में इनके तंदूरी रोटियां भी उतर रही हैं, बड़ी फर्स्ट क्लास। ये नान है, ये मैदे की रोटियां हैं, रोटी नहीं है, नान समझ लीजिए, नान है ये। और फटाफट से लंच का टाइम है तो ये फटाफट से इनकी तंदूर एकदम लाल गरम हो रखा है जिसकी ये रोटियां बन रही हैं। ये क्या है? चिकन बिरयानी है, बहुत ही शानदार। और ये क्या है साथ साथ में? ये देखिए चिकन के साथ साथ ये चिकन के जो पीसेस हैं इसमें फ्राई हुए हैं। एक बार अच्छे से घुमा के दिखा दो। चावल के पीसेस भी, मतलब चावल भी लंबा चावल है, गुड क्वालिटी का, और साथ में चिकन फ्राई हुआ है। चलो जी, मैं आपको इसके बताती हूँ चिकन में और क्या क्या आइटम है। चिकन तंदूरी ड्राई है, क्वार्टर 120 का, हाफ 240 का, फुल 450 का। और चिकन तंदूरी ग्रेवी 140 क्वार्टर, 280 हाफ, 520 का फुल। और मलाई टिक्का है 140 का क्वार्टर, 280 का हाफ, 530 का फुल। ऐसे मतलब मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि क्या रेट है। अफगानी चिकन का भी बताती हूँ। अफगानी टिक्का 140, 280, 530। बिरयानी आ गई है, ये देखिए 250 ग्राम है, 60 रुपये की है। इसके अंदर फ्राई चिकन डाला हुआ है और ये जो है अपना हल्का कलर वाले चावल है, बीच में मिक्स करे हुए। मेरे को इलायची नज़र आ रही है और हरी मिर्ची नज़र आ रही है, बीच में इलायची और हरी मिर्ची डाली हुई है। इनका डिफरेंट स्टाइल है जो बनाने का, एक बार टेस्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। साथ में इन्होंने चटनी और प्याज दे रखा है, इसको टेस्ट करके। और साथ में फ्राई चिकन है, और फ्राई करा हुआ चिकन है, थोड़ा सा हार्ड है पर ओवरऑल बिरयानी का टेस्ट, चावलों का टेस्ट बहुत बढ़िया है। जो चावलों का टेस्ट है गुड, हल्की मिर्ची है, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची से मिर्च आई हुई है और इस बीच में इन्होंने इलायची डाली हुई है, खड़े मसाले डाले हुए हैं। दोस्तों 60 रुपये की 250 ग्राम, मतलब दिल्ली में जो ये सब मिलता है वो दिल्ली से हाफ रेट है। ये छोटे शहर हैं, छोटे प्राइजेज हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत छोटा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कभी भी देहरादून मसूरी की तरफ घूमते हुए आते हैं 10 मिनट आप अंदर मुजफ्फरनगर की तरफ आइए और यहाँ की बिरयानी टेस्ट किए बिना मत जाइए। चिकन बिरयानी जिसका टेस्ट सच में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। और एक और चीज़ इन्होंने सर्व करी क्या है, चिकन क्रिस्पी बटरफ्लाई, देखने में अच्छा लग रहा है, ऊपर क्रीम व्रीम डाल के दी हुई है। पहले ये बिरयानी खा लूँ मैं। ये है दोस्तों, ये है चिकन बटरफ्लाई, इसमें मेयोनीज डाली हुई है। मैंने इनसे पूछा डिटेलिंग, ये बटरफ्लाई का मतलब क्या हुआ और ये गोल गोल से चिप्स जैसा कैसे चिकन को काटा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको खोल के टूथपिक से हटा के ये देखिए, पहले तो ये आलू के चिप्स हैं, उसको डीप फ्राई करा हुआ है और उसके अंदर चिकन का छोटा सा टुकड़ा डाला हुआ है। ये चिकन का टुकड़ा इसके अंदर सेट करके उसको टूथपिक से आर पार करा हुआ है और उसके बाद मेयोनीज डाली हुई है। तो हम नए शहर की नई वैरायटी, मेयोनीज कम भी हो सकती थी और अदरवाइज़ अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। मिर्ची मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे खा सकते हैं इसको अगर हम घर पे ट्राई करें लेडीज़। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, देहरादून आते हैं, ऋषिकेश आते हैं या फिर मसूरी जाते हैं, तो रास्ते में रुक करके आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की डेलिकेसी, छोटा शहर है, प्राइजेस भी छोटे हैं, बनाने का तरीका भी डिफरेंट है। दिल्ली में ऐसी चीज़ें कम ही नज़र आती हैं। मुझे इस टाइप की चिकन बटरफ्लाई तो दिल्ली में कहीं नज़र नहीं आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है। दोस्तों हमने तो पेट भर लिया था अपना, इन्होंने फिर बिठा लिया, कहते हैं दो चीज़ें और स्पेशल वाली खिलाऊंगा। ये है चिकन पॉपकॉर्न, हमने थोड़ी क्वांटिटी में ही मंगवाया है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, वो 100 रुपये का है। मैं कहा ज़्यादा मत दो, पेट में जगह भी होनी चाहिए। हम दो चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, चिकन पॉपकॉर्न जो KFC स्टाइल चिकन है, बड़ा ही बढ़िया। ये देखिए मेयोनीज के साथ और सॉस के साथ दिया है, बहुत ही शानदार, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश। KFC के चिकन से कुछ कम नहीं, गर्मा गर्म फ्रेश, वाह मज़ा आ गया। क्रिस्पी चिकन, फ्रेश चिकन, बिल्कुल KFC स्टाइल। कल विराट कोहली का बर्थडे था, कल विराट कोहली ने सेंचुरी मारी और इन्होंने जो फ़ैन अपना फ़ैन के लिए, अपने विराट कोहली फैंस के लिए एक स्कीम निकाली कि जितने वो रन मारेंगे उतने % वो बिरयानी फ्री देंगे। उन्होंने सेंचुरी मारी, उन्होंने फ्री में बिरयानी बांटी। कहते हैं ये सिलसिला चलता रहा कम से कम 4-5 घंटे तक और यहाँ पर इतनी मीडिया आई हुई थी, बता रहे हैं हमारे को। मैं उसकी वीडियो भी आपको डालूंगी, इनसे हमने वो वीडियो ली है। सारी मीडिया, आज तक, ABP न्यूज़, NDTV और यहाँ के लोकल उत्तराखंड के लाइव चैनल्स जो और हैं, और बहुत सारी मीडिया में भी देख के चेक करके आपको बताती हूँ। सारी मीडिया आई हुई थी, इनको लाइव इनका इंटरव्यू लिया है, भाईजान का इंटरव्यू लाइव लिया है। हम भी इनके साथ आज बैठे हुए हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके साथ लंच कर रहे हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। सबसे बड़ी बात, इनका दिल इतना बढ़िया है कि जितनी विराट कोहली ने रन मारे हैं उतने % जो है ये बिरयानी फ्री दे रहे हैं और मज़ा आ गया। उन्होंने कल 100 रन मारे, इन्होंने 100% फ्री करी है, वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। मैं इनसे पूछ रही थी भाईजान से, तो कल को विराट कोहली डबल सेंचुरी मारता है तब क्या करेंगे? एक बिरयानी के साथ एक बिरयानी मुफ्त देंगे? अगर वो डबल सेंचुरी मारते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम सबको 2-2 प्लेट दे देंगे, 2-2 प्लेट देंगे, एक पे एक और फ्री, वाह जी वाह। कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री, पहली वाली भी फ्री, दूसरी वाली भी फ्री, मज़ा आ गया बात। ये देखिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है इन्होंने बिल्कुल KFC स्टाइल, मतलब देख करके मेरे को ऐसे लग रहा है KFC से मैं खा, यहाँ बैठी हुई हूँ मुजफ्फरनगर में और KFC का खा रही हूँ। आप ये देखिए कितना शानदार, कितना क्रिस्पी, मतलब देखने लायक चीज़ है। आवाज़ सुनना मेरे खाने की, इतना क्रिस्पी है और शानदार, वाकई कहना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं KFC का चिकन खा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फ्रेश, गर्मा गर्म और जिस प्यार से खिला रहे हैं। दोनों 3-4 चीज़ें खाई हैं, मैंने एक बिरयानी खाई बहुत अच्छी थी, एक और ये फ्राइड बटरफ्लाई लाए थे वो थोड़ा सा ऑयली लगा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर पॉपुलर है इनके रेस्टोरेंट का, पॉपुलर डिश है, अच्छा डिश है, पर डीप फ्राइड था, बहुत ऑयली था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने मेरे को खिलाया पॉपकॉर्न जो कि मुझे बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छे लगे। अब मैं खा रही हूँ चिकन फ्राई जो मुझे सबसे अच्छी लगी एक्चुअली, इतनी फ्रेश, इतनी गर्म और इतनी कुरकुरी, बिल्कुल KFC, मैं कह रही हूँ KFC भी इसके आगे दब रहा है, इतना शानदार चिकन। मैंने आपको आवाज़ सुनाई होगी खाते हुए किस तरीके से क्रिस्पी है ये। तो दोस्तों आज का लंच हमारा हो गया। यहाँ पे हम देहरादून की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया हम अपने दोस्त के बेटे की शादी पे जा रहे हैं टुवर्ड्स देहरादून। ये बीच में पड़ता है मुजफ्फरनगर। भाई हमें देहरादून पहुँचने में और 2 से ढाई घंटे लगेंगे। फटाफट निकले वरना हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि हम लेट क्यों हो गए, यहीं पर सारा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, वेस्ट नहीं करा मैंने टाइम। अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें दिखानी थी, मुझको इन सब का टेस्ट बताना था, रिव्यू बताना था। और दोस्तों ये भी पहला वीडियो है मेरे देहरादून के ट्रैवल का। देहरादून में भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी देहरादून की। बाय बाय।